आएंगे, ये देखो बोलो ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। आज हमारे किटन हो गए 1.5 महीने के और हमने इनके लिए ये फीड मंगवाई है, बिस्किट्स मंगवाए, परफेक्ट मुझे नहीं आएगा और परफेक्ट ये परफेक्ट के बिस्किट्स हैं और ये हम आपके सामने इसको अनबॉक्स करेंगे ताकि हमारे किटन इसको कितना पसंद करके रिव्यू भी देंगे हम आपको कि ये कैसी है। और हमने पहले हम फ्लफी की यूज़ करते थे, हमारे दो किटन जो है उससे वो हुए थे, एक्सपायर हुए थे, आपने वीडियो में देखा होगा। अब ये छोटे छोटे जो है खाना शुरू हो गया इनका, तो अब ये देखिए अब हम इनको वो करेंगे। जहाँ तक हमने इसका सुना है कि ये किडनीज पे इफेक्ट नहीं करती, ये कोई भी ऐसा डिजीज़ जो कैट में हो जाते हैं वो नहीं होते, तो हमने इसलिए ये मंगवाई है। अल्लाह पाक करे इससे हमारे बच्चे महफूज रहे, दूसरी स्पीड की तरह जो है फ्लफी की तरह बच्चे ना बीमार हो। ये अफोर्डेबल भी है, ये 1200 डिलीवरी चार्जेस के साथ हमें मिली है। ये 1.2 kg का पैक है। ये मेरा ख्याल है 4 बच्चों के लिए 1 महीने के लिए बहुत है ये, और ये जो है अफोर्डेबल भी है इसलिए क्योंकि ये उससे सस्ती भी है। आप देखते हैं ये बच्चों को इसका जायका पसंद आता है कि नहीं आता। फ्लफी से थोड़ी सी महंगी, नहीं महंगी, 550 क्या। अब हमें इसको ओपन करने लगे और बच्चों को हम इसको टेस्ट करवाने लगे। पहले प्लेट में लगे, ये पहले प्लेट में है, इसकी स्मेल भी बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी स्मेल भी, और इसके बिस्किट भी मोटे हैं। वाह, इसके तो बिस्किट भी अच्छे खासे मोटे हैं। देखो देखो कैसे हैं ये, लेकर आओ एक और को लेकर आओ। वाह, खा के देखो। अरे लिख करो, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुंह से गिर रहे हैं छोटे ना। मफिन कैस्पर है, मफिन नहीं है। कैस्पर ले क्या, वो बाहर है, हैरी ना, पारू खा रही है, पारू खा रही है, वो उसके मुंह से गिर जाता है बार बार। बड़े हैं थोड़े, ये काफी बड़े हैं। फ्लफी के बिस्किट बहुत छोटे होते हैं, सब बच्चे खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकर आओ एक और को, ये मैंने ज़बरदस्ती घुसाया है, ये देखिए इसको मैंने एक ज़बरदस्ती खिलाया है, इसके मुंह के अंदर डाला है, उसके बाद इसको जायका आया। ये छे ये कोशिश ही नहीं कर रहा था खाने की, इसको ये खा रहा है। कौन है, हैरी, ये हैरी है, ये खा रहा है, ये भी खा रही है, पारो भी खा रही है, उसके मुंह से गिर रहा है। ये बच्चों के लिए बहुत बड़े हैं, बच्चे इसको खा नहीं पा रहे। हैरी सही खा रहा है, ये भाग रहा है। इसने जो एक इसके मुंह में जो ज़बरदस्ती डाला था वो भी इसने निकाल दिया है। ट्राई तो करो, ट्राई तो करो, कर रहा है। हाँ मज़े का है माशाल्लाह, वो फेंक दिया उसने, आधा खाया और आधा फेंक दिया, खाओ उसको। वो दूसरा पीस भी नीचे गिरी, उसको पसंद नहीं, उसको मज़ा नहीं आ रहा है क्या? खा गया खा गया, मुँह से गिरा हुआ। ये देखो ये देखो, इसने नीचे रख के खाना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है इसके भी मुंह में नहीं जा पा रहे, इसको भी एक ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा। ये भी नहीं खा पा रही, बड़े हैं और सख्त हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हैं। ओ ओ मेरे को चाव भी मार दिया इसने, गंदी कैट फूड खा गई। नहीं तोड़ के चख के खाया थोड़ी ना, ये रे सख्त नहीं है, बहुत सख्त है। हम खा सकते हैं, भैया नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। अब मैं एक और ट्राई करने लगी हूँ, मैंने इनका चिकन गला के रखा हुआ है, मुर्गी के पोटे मैं इसके अंदर डाल के इनको मिक्स करके दूंगी, तब तक ये नरम भी हो जाएंगे और थोड़े फूल भी जाएंगे। मुझे किटन को पानी में डुबो के दो, हाँ मतलब वही उसके थोड़े से यखनी में डुबो के लाती हूँ मैं, जब भूल जाए ना इनको लिख करवाओ। इसको देखिए इसमें मैं चंक्स लाई उसके चिकन के, और साथ में मैं इसके ये भिगो के लाई हूँ बिस्किट, ताकि नरम हो जाए और ये बच्चे खा सकें। और बच्चे अब बोटियों को लग गए और बच्चे अभी तक उनको अभी खाना शुरू नहीं किया।
माशाल्लाह माशाल्लाह खाना शुरू हो गए। आप देखते हैं कि क्या चीज़ पहले फिनिश करते हैं, ये मीट पहले खाते हैं, ये बिस्किट्स पहले खाते हैं, ज़्यादा इनको मज़े का क्या लगता है? मीट। ये देखिए ये देखिए, ये मीट के टुकड़े उठा उठा के लेके जा रही है ये वाली। ये कौन है? ये पारो है। सारे के सारे मीट खा रहे हैं, एक ने भी फीट नहीं उठाई। अब देखते हैं लास्ट में भी ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं। आपके हमने इनको थोड़ी सी यखनी और थोड़ी सी मीट के साथ ये दिया मिला के, जिसमें ये नरम हो चुके थे, वरना बिस्किट बच्चे नहीं चबा पा रहे थे, बहुत ज्यादा पड़े थे। 2 months के किचन 2 महीने के किटन के लिए भी, यानी कि ये बिस्किट काफी बड़ा है। बच्चे का मुंह छोटा और दांत बहुत बारीक होते हैं जो तोड़ नहीं पाते, तो इसको आप इसको भिगो के दे सकते हैं किसी भी चीज में, यखनी में या पानी में। डायरेक्टली ये नहीं खा सकेंगे। इसकी रिव्यू में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जायके में ये बच्चों को पसंद आए, और अल्लाह पाक करे ये बच्चों के पेट के लिए भी अच्छे हों। ये बाकी ये कल पोटी करेंगे तो हम आपको दोबारा वीडियो बना के दिखाएंगे कि इनको मोशन या कोई उल्टी वगैरह या कुछ नहीं हुआ। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने खा के अपनी प्लेट पूरी फिनिश कर ली है। अच्छे खासे बिस्किट थे, अच्छी खासा मीट था, और ये 4 बहुत छोटे छोटे हैं, अभी ये 2 महीने के पूरे नहीं हुए अभी। चले अब नेक्स्ट। पेट भरे हैं। हाँ पेट भर गया है। ये देखिए ये बहुत से फ्लेवर्स में अवेलेबल है। ये हमने चिकन फ्लेवर मंगवाया है, और ये हमें 1000 का हमने बाय किया है, 200 इसके डिलीवरी चार्जेस थे। देखिए अब इसके टमी बच्चों की बताएगी कि ये कल इनके लिए कैसा था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप फिर मिलेंगे हम आपके साथ। आप हमारी वीडियो देखा करें, शेयर किया करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ये वेट मशीन पे इसके पास बैठ गए, ये अपना वेट चेक करने से लग रहा था कि मेरा वेट गेन हो गया है एक ही दफ़ा खा के। इसे बहुत पसंद आया, वही सफाइयाँ कर रहा है ये अपने। दिखाता हूँ आप लोगों को अपना पेट।